उत्तर प्रदेश में मथुरा के एसडीएम ने केरल के पत्रकार और तीन अन्य को समाज में शांति कायम रखने के लिए बॉन्ड भरने का सोमवार को आदेश दिया है। आपको बता दें कि यूपी के हाथरस में हुए 19 वर्षीय दलित लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार और फिर हत्या की घटना के लिए हाथरस जाने के दौरान दोनों पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद रिहाई के लिए 1,00,000 रुपए जमानती मुचल के नहीं देने तक मथुरा में मॉन्ड के उप मंडलीय दंडाधिकारी यानी एसडीएम सुरेश कुमार ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और तीन अन्य को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि आरोपी कप्पन, अतीक उर रहमान, आलम और मसूद को मॉन्ट के एसडीएम ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और उन पर कट्टरपंथी समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे संबंधित संगठनों से संबंध रखने का आरोप है। उन्हें वीडियो लिंक के जरिए मथुरा जेल से एसडीएम के समक्ष पेश किया गया था। उनकी राजद्रोह और आतंकी मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंगलवार को खत्म हो रही थी और उन्हें तब न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने हिरासत बढ़ाने के लिए पेश किया जाना था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124A यानी राजद्रोह, 153A यानी दोनों समूहों में धार्मिक आधार पर शत्रुता को बढ़ाना और 295A यानी धार्मिक भावनाओं को आहत करना के तहत मामला दर्ज किया गया है। चारों पर UAPA कानून की धाराएं भी लगाई गई हैं। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।